हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी नाश्ता, जिसे आप बनाने में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और खाने में इतना ज्यादा चटपटा और क्रिस्पी लगता है कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है भुट्टे, जो सूखे हुए भुट्टे के दाने हैं, और ये है हमारे 50 ग्राम दाने। ऐसे में अगर आपके पास भुट्टे के दाने ना हो तो आप मार्केट में जाकर उसको ले सकते हैं, और कई लोग यहाँ भुट्टे आते हैं तो बच जाते हैं तो उसके दाने इस तरह से सुखा लिए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने भी दाने सुखाए थे, और ये 50 ग्राम है और ये सूखे हुए बिल्कुल ड्राई दाने है। और इधर हमने लिया है दूध, जो हमारा इस तरह से 1 ग्लास है दूध, और ये जो दूध हमने लिया है ये ठंडा दूध लिया है, ठंडे दूध का आपको इस्तेमाल करना है। और दूध को अभी हम यूज करेंगे, आपको बताएंगे आगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलते हैं फटाफट गैस की तरफ और बनाते हैं सुपर टेस्टी ये स्नैक्स, जो आप स्टोर कर सकते हैं कम से कम 15 से 20 दिन तक। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ, और एक हमने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई जो आपको रखनी है वो मोटी रखनी है, और इस तरह से मोटी कढ़ाई आपकी अच्छे से गर्म हो जाएगी, तब आपको इसमें डालना है ऑयल। तो इस तरह से हम ऑयल डालेंगे, लमसम 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और ऑयल को अच्छा सा गर्म हो जाने का वेट करेंगे। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तब हमें आगे का काम करना है। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और इसमें से भाप निकल रही है, और अब हम इसमें जो अपने दाने हैं वो ऐड कर देंगे। और दाने ऐड करने के बाद अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे हल्का सा, लमसम 1/2 चम्मच। तो फ्रेंड ये देखिए 1/2 चम्मच नमक हमने ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छे से इस तरह से भूनेंगे लमसम घड़ी देखकर 2 मिनट। 2 मिनट तक आपको इसे अच्छे से करारे कर देने हैं, और इस तरह से करारे करने के बाद आपको आगे का काम करना है। तो पहले 2 मिनट गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, और हाई फ्लेम पर ही आपको ये अच्छे से भूनना है। तो इस तरह से भूनने के बाद देखिए हमने अच्छे से भून लिया है, और हमारे दानों पर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है तेल की। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे और ये अच्छी तरीके से फूटने लगेगा। तो इसे हम ढककर के रख देंगे कम से कम 10 मिनट तक। तो फ्रेंड आप 2 मिनट बाद देखेंगे तो इसमें से एक धमाके की आवाज आ रही है, क्योंकि ये पॉपकॉर्न बनना है। तो इस तरह से इसमें आवाज आएगी, तो आपको ढक्कन को हटाना नहीं है, इसी तरह लगे रहने देना है। और इस तरह से देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर रखकर कम से कम इसे अच्छे से फूटने देने हैं, सारे पॉपकॉर्न बनने तक का वेट करना है। तो पॉपकॉर्न बनने में आपको लमसम 3 से 4 मिनट लगेगा, और इस तरह से बीच बीच में चटकने की आवाज आएगी। तो फ्रेंड ये देखिए इसमें चटकने की आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह से ये लमसम 3 मिनट में चटक के अच्छे से बन जाएंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके, हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो अब इसे हम खोल कर देखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे सारे दाने अच्छे से चटक गए हैं, और इसमें से ये देखिए एक उठा के देखते हैं, काफी गर्म है। तो ये देखिए अच्छे से हमारा पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो चुका है, और कुछ दाने इस तरह से रह गए हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं और आगे का काम करेंगे। तो पहले इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड अब हम इसमें डालेंगे शुगर, जो हमारी 50 ग्राम है, और शुगर को हम डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बटर लमसम 1/2 चम्मच। और बटर डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना दूध। तो इस तरह से अपना दूध ऐड कर देंगे लमसम 1/2 ग्लास शुरुआत में ऐड करेंगे, और अब हम इन सबको मेल्ट होने के लिए वेट करेंगे, और बचा हुआ दूध भी ऐड कर देंगे सारा का सारा। और अब हमें इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है, आप चाहें तो डालिएगा, ना चाहें तो मत डालिएगा। तो फ्रेंड इस तरह से हम 1/2 चम्मच से कम यानी 1/4 चम्मच फूड कलर डाल देंगे, जिससे ये अच्छा सा रंग आ जाएगा, और देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है। और इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक हमने पहले ही डाल दिया था, अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो इस तरह से गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना चाहिए, अब हम लो कर देंगे और इसे अच्छे से हिलाते हुए इसकी एक चाशनी टाइप में बना लेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड इस चाशनी को हमें लमसम 2 मिनट तक पकाना है, और इस तरह से देखिए ये थिक होना शुरू हो चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ताकि अच्छा सा रंग आए। तो इस तरह से हम लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच ऐड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और फिर इसके बाद इसमें 1 चम्मच भरकर जाएगा गरम मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और सारी चीजों को एक मिनट और पकाएंगे। तो फ्रेंड देखिए सारे मसाले हो गए, तो अब इसमें हम डालेंगे हींग लमसम आधा चम्मच और हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारी चाशनी है वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिल चुके हैं और कितना अच्छा कलर आ चुका है। और अब इसमें हम अपना जो पॉपकॉर्न है वो ऐड कर देंगे सारा का सारा इस तरह से, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मिला लिया, सारी चीजें मिल गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फटाफट इसे सर्व करेंगे ये चटपटा पॉपकॉर्न, जो खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड रेडी हमारा सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी नाश्ता, और हम इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड इस तरह से नारियल डालेंगे, घिसा हुआ बुरादा मिलता है वो, और वो डालकर हमने इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया। देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, जितना ज्यादा सुंदर लग रहा है उससे ज्यादा टेस्टी है खाने में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और ये चटपटा नाश्ता आप बनाकर रख सकते हैं, जब आपका मन हो आप इसे खा सकते हैं, टीवी देखते देखते भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा आसानी से बन जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही इजी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।